हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7:48 हो रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ अपने एक गांव में। तो एक पेशेंट है, पेशेंट में है मेल पेशेंट, और वो हैं दादाजी। लगभग उनकी उम्र होगी 60-65 साल उम्र होगी। तो उन्हीं के शरीर में दर्द है। तो सुबह फ़ोन आया कि आप चले आइए मेरे यहाँ और कोई इंजेक्शन और दवा दे दीजिए। तो दोस्तों, इंजेक्शन को मैंने लोड कर लिया है। ये है डाइलोना इंजेक्शन, इसका फार्मूला होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। यह IM इंजेक्शन होता है। तो अभी दादाजी को वहाँ बोल दिया है कि आप लेट जाइए। तो अभी चलते हैं उनके पास और ये इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन को मैंने लोड कर लिया क्योंकि मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो अभी देखते हैं, कोई बच्चा होगा तो उससे मोबाइल पकड़वाएंगे और इंजेक्शन कैसे लगाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं दादाजी। तो चल रहे हैं अब दादाजी के पास। तो दादाजी वहीं लेटे हुए हैं। ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन को मैंने लोड कर लिया था। तो इधर दादाजी को बोल दिया था कि आप लेट जाइए। तो दादाजी लेटे हुए हैं अच्छे से। तो अभी चलते हैं, पहले कॉटन और स्प्रिट ले लेते हैं। और कॉटन स्प्रिट हम इसलिए यूज करते हैं कि जिस एरिया पे, जिस जगह पे हमें इंजेक्शन लगाना है, उस एरिया को अच्छे से हम सुपअप कर देते हैं ताकि वहाँ की जो बैक्टीरिया हो सब नष्ट हो जाए। तो इंजेक्शन लगाने से पहले आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि स्प्रिट और कॉटन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, चाहे IM इंजेक्शन हो या चाहे IV इंजेक्शन हो। दोनों इंजेक्शन में यूज किया जाता है, स्प्रिट और कॉटन का। तो दादाजी को अब उस एरिया पे पहले हम कॉटन और स्प्रिट की सहायता से सुपअप कर देंगे, उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे। लगाने से पहले हल्का सा अपने साइड खींचेंगे, अगर ब्लड आ रहा है तो नहीं लगाना, नहीं तो लगा देंगे हम। तो दादाजी को इंजेक्शन लगा दिए हैं।